दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगा मैं डिजिटल टाइमर स्विच के बारे में। ये एक ब्लैक टी कंपनी का BT41D मॉडल नंबर टाइमर है। पहले दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हम एनालॉग टाइमर यूज करते थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनालॉग टाइमर के बारे में भी डिटेल में बता दूंगा। बॉक्स में आप देखेंगे तो एक यूजर मैनुअल रखा हुआ होता है। इस यूजर मैनुअल को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ मैंने ऊपर मॉडल नंबर लिख रखा है। दोस्तों इस टाइमर को हम अपने घर में किसी भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा मोटर है पानी का, उसको दिन में 4 बार हमें ऑन ऑफ करना है, तो इस टाइमर की मदद से हम दिन में उसको 4 बार ऑन और ऑफ कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। मैक्सिमम दोस्तों इस टाइमर का यूज होता है हमारा स्ट्रीट लाइट में, जो रोडों के ऊपर लाइटें लगी होती हैं, जो रात में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं और सुबह होते ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। होटल के बाहर जितनी भी आउटर लाइट होती हैं, गार्डन में या फैक्ट्री में जो भी लाइटें आउटर में लगी होती हैं, उन सब के लिए हम स्ट्रीट लाइट टाइमर यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं टाइमर का प्रोग्रामिंग और कनेक्शन समझा देता हूँ, उसके बाद इसको अपना कॉन्टैक्टर के साथ ऑपरेट करा के दिखाऊंगा कि स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं अपने कॉन्टैक्टर के साथ में। दोस्तों टाइमर के टॉप सिरे पे आप देखेंगे तो आपको न्यूट्रल और फेज के 2 पॉइंट मिलेंगे। फेज को उठा करके बीच वाले 4 नंबर पॉइंट में हमें लूप देना है। इधर NC और इधर NO पॉइंट अवेलेबल है। कंपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लीड, इसको कवर कह सकते हैं, प्रोवाइड कराती है। और यूजर इंटरफेस आप कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, जहाँ एक LED डिस्प्ले है। जब भी आप टाइमर को यूज करेंगे, आप टाइम सेट करेंगे 7:57, ट्यूजडे 9 फरवरी हो रहा है। और टाइमर को सबसे पहले हमें रीसेट करना है। रीसेट बटन को प्रेस करके यहाँ मैं पहले रीसेट कर लेता हूँ। अब घड़ी वाले बटन को प्रेस करके रखूँगा और टाइम सेट करूँगा। D1 से मेरा डे सेट होगा, आज मंडे दिखा रहा है, मैं ट्यूजडे सेट कर लिया। अब H+ से मैं यहाँ पे हावर सेट करूँगा, जो 7 बज रहे हैं। और M+ से मैं मिनट सेट करूँगा, तो यहाँ 58 मिनट हो गया है, मैं 58 मिनट सेट कर लेता हूँ। अब P बटन को प्रेस करूँगा तो फंक्शन फर्स्ट ऑन और फर्स्ट ऑफ। दोबारा से प्रेस करूँगा सेकंड ऑन सेकंड ऑफ। इस टाइप से आपको 20 टाइम इसमें सेट करने का ऑप्शन मिलता है। एक दिन में आप इसको 20 बार टाइम ऑन करा सकते हो और 20 बार ही इसको ऑफ करा सकते हो। तो पहला मैं टाइम सेट कर लेता हूँ। D1 को प्रेस किया, मैंने ऑल डे सेट कर लिए, या पर्टिकुलर आप एक दिन के लिए भी टाइमर में टाइम सेट कर सकते हैं, जैसा मैं D+ आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ। मैंने ऑल डे में अपना जो टाइमर है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा डेली सुबह के 8 बजे ऑन होना चाहिए। अभी मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ, 8:05 पर ऑन होना चाहिए। दोस्तों फर्स्ट ऑफ में मैं सेट कर लूँगा, D को प्रेस करूँगा तो मेरा डे ऑल सेलेक्ट हो गया है। H को प्रेस करके मैं हावर सेट कर लूँगा और M को प्रेस करके 8:08 सेट कर लूँगा। अब मैं इसमें एक टाइम और सेट कर लेता हूँ। P को दबाया फंक्शन, सेकंड ऑन में डे सेलेक्ट कर लिया। H को दबा करके मैंने सिंपली टाइम सेलेक्ट कर लिया, जैसे अभी पीछे किया है। और M को प्रेस करके मैंने मिनट 10 मिनट सेट कर लिया। 8:10 पर दोबारा टाइमर ऑन होगा। अब सेकंड ऑफ का मतलब है कि मेरा टाइमर जितना मैं सेट करूँगा उतनी देर बाद मेरा टाइमर ऑफ हो जाएगा। यहाँ 8:12 मैं सेट कर दे रहा हूँ और सिंपली मैं घड़ी वाले बटन को प्रेस करूँगा एग्जिट के लिए। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में भी 8 बज रहे हैं और टाइमर में भी 8 बज रहे हैं। दोस्तों टाइमर का हम कनेक्शन समझ लेते हैं। ऊपर मैंने न्यूट्रल और फेज दे दिया है और नीचे वाले पॉइंट में हमें एक लूप देना है अपना फेज वायर। पहले मैं इसको अपना टेस्टर से प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि कनेक्शन हमें अच्छे से टाइट करके ही जोड़ने हैं। नीचे वाले पॉइंट में मैंने ऊपर से उठा करके लूप दे दिया एक फेज वायर। अब अपना जो लोड है उस लोड का भी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक बल्ब लगा करके दिखा रहा हूँ। ऊपर न्यूट्रल वाले पॉइंट में एक मैं बल्ब का वायर कनेक्ट कर दूंगा, जिससे कि हमारे लोड को न्यूट्रल चला जाएगा। और दूसरा वाला वायर हम अपने 5 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन है NO वाले पॉइंट में। दोस्तों टाइमर का कनेक्शन हमने प्रॉपर तरीके से कर लिया है। ऊपर भी फेज आ रहा है और नीचे कॉमन वाले पॉइंट में भी हमारा फेज आ रहा है। यहाँ मैं आपको 3 मोड दिखा देता हूँ। मैनुअल बटन को प्रेस करने से टाइमर हमारा कंटिन्यू ऑन रहेगा और ऑन का इंडिकेटर भी जल रहा है। दोबारा से मैनुअल बटन को प्रेस करूँगा ऑटो में चला जाएगा, और फिर से मैनुअल बटन को प्रेस करूँगा कंटिन्यू सर्किट ऑफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ऑटो मोड में डाल के छोड़ देना है। अब अपने टाइम का वेट कर लेते हैं और 8:05 पर हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट टाइम पर हमारा
परफॉर्मेंस दिखा दी है हमारे टाइमर ने। अब 8:08 पर हमारा टाइमर हमारे सर्किट को ऑफ करेगा जैसा हमने टाइम सेट करके रखा था। आप वेट कर सकते हैं, जैसे ही हमारा 8:08 हुआ हमारा टाइमर ने सर्किट को ऑफ कर दिया है। और दूसरा टाइम हमने सेट किया था कि 8:10 पर हमारा टाइमर ऑन होना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमर ने सर्किट को ऑन कर दिया है। और अब सेट किया है हमने कि 8:12 पर हमारा टाइमर बंद होना चाहिए। दोस्तों अब हम अपने स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन समझ लेते हैं कि जो रोडों के ऊपर लाइट लगी होती है उनका टाइमर के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है। आप देख सकते हैं 3 पोल का MCB, न्यूट्रल स्ट्रिप और सिंगल फेज का MCB यूज किया है मैंने कंट्रोलिंग के लिए। एक मेरा टाइमर यूज किया है मैंने जो आपको अभी कनेक्शन समझाए हैं, और एक मैंने अपना कॉन्टैक्टर यूज किया है। 3 फेज की सप्लाई के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके अपना कॉन्टैक्टर के इनपुट पॉइंट पर हम सप्लाई दे देंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंट्रोलिंग समझा देता हूं, उसके बाद स्ट्रीट लाइट में कनेक्शन करूंगा अपना पावर सप्लाई का। न्यूट्रल स्ट्रिप से न्यूट्रल उठा करके अपना जो कॉन्टैक्टर लगा है इसके A2 पॉइंट पर मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा, और जो टाइमर के ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं इनमें से किसी भी एक पॉइंट में मैं न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा। जो दोस्तों मेरा 3 पोल का MCB लगा है इसके ऊपर वाले किसी भी एक पॉइंट से फेज को आउट करके अपना सिंगल पोल का MCB के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा, और MCB के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करके टाइमर का जो दूसरा वाला ऊपर पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि एक वायर में तो एक पॉइंट में तो हमने न्यूट्रल दे दिया है, दूसरे में हमने फेज दे दिया। अब ऊपर से ही एक वायर उठा करके लूप दे दूंगा अपने नीचे वाला जो 4 नंबर कॉमन पॉइंट है वहाँ पर, और जो मेरा टाइमर का 5 नंबर NO पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करके, और जो मेरा लगा हुआ है कॉन्टैक्टर इसके A1 पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, पिछली वीडियोज में हमने समझा है कि अपना स्टार्टर में हमें होल्डिंग देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ हमें होल्डिंग देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइमर से भी हमें उतनी देर के लिए कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहेगी जितनी देर हम टाइमर में टाइम सेट करके रखेंगे। अब अपना पावर का कनेक्शन कर लेते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्टर का नीचे वाले पॉइंट हैं यहाँ से हम R फेज को आउट करके पहली 2 स्ट्रीट लाइट में कनेक्शन कर देंगे, क्योंकि हमारा 3 फेज पर हमें इक्वल लोड देना है। हमारा 6 स्ट्रीट लाइट हमने कनेक्ट करके रखी हैं, तो 2-2 में हम एक एक फेज दे देंगे। अब बाई वाले फेज को आउट करके अपना बीच वाली 2 लाइटों में कनेक्ट कर देंगे, और बी वाले फेज को आउट करके जो लास्ट की 2 लाइट हैं उनके अंदर कनेक्ट कर देंगे। MCB स्ट्रिप के नीचे वाले पॉइंट से ही हम सप्लाई उठा ले रहे हैं, ये क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, वैसे हमें ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई उठानी थी। और यहाँ से सप्लाई उठा करके हम सभी स्ट्रीट लाइट में कनेक्शन कर देंगे। कनेक्शन हमारा प्रॉपर तरीके से हमने कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।